Assalamualaikum students, इस वीडियो में हम ट्राइंगल के और एक क्वेश्चन को लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2 के। तो इसमें क्या कहता है, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी, सी फिगर 3733 में शो दैट आपके पास एंगल ए बी डी को एंगल ए सी डी के साथ आपको क्लियर करना है। तो ये हमारा काम हुआ। तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन क्या हुआ, सोल्यूशन में सबसे पहला पोर्शन गिवन, सबसे पहला जो चीज आपके पास आएंगे वो गिवन के लिए रखेंगे। तो आपके पास कहता क्या है, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस, किस पे, सेम बेस बीसी के ऊपर है। ये इसका गिवन हुआ। तो प्रूफ जो आपके पास है वो क्या है, एंगल ए बी डी को हमें प्रूफ करना है एंगल ए सी डी के साथ। अब हम अपने प्रूफ को कैसे हासिल करेंगे वो हम देखेंगे। जो टू प्रूफ हमारे पास दिया हुआ है, जो टास्क, जो काम हमें क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि ये काम आप करके दे, तो इस काम को हम कैसे कर पाएंगे वो हम देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कहा है भाई, जो दो ट्राइंगल वो एक दूसरे के आइसोसेलेस है। व्हाट मीन बाय आइसोसेलेस, आइसोसेलेस को बोलते हैं जिसके आपके पास या तो दो एंगल आपके पास बराबर हो गए या दो साइड बराबर होंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास ये दोनों साइड बराबर, अगर हम मानेंगे इनको, अगर हम बराबर कहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड बराबर, ठीक है। तो हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी में आपके पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी और ए सी को हम बराबर मान रहे हैं। तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी होगा। ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। क्यों होंगे, यहां पे होंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये वो एंगल है जो इक्वल साइड के अपोजिट में है। तो यहां पे हम इसको रखेंगे फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम जाएंगे दूसरे में, इन ट्राइंगल बी सी डी में, ये वाला ट्राइंगल जो दूसरा है आपके पास इस तरह है बी सी डी में, इसको भी इसने आइसोसेलेस कहा, इसका मतलब यहाँ पे दो साइड बराबर होंगे। तो हमने इसको बराबर माना। तो अगर यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू अगर सी डी होंगे तो देयरफॉर मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी होगा। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है सर। इसको रखेंगे हम सेकंड, ठीक है। अब हम करेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। ऐड करते समय इक्वेशन में कैसे करते हैं, LHS के साथ ऐड हो जाते हैं और RHS के साथ हो जाते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे एंगल ए बी सी प्लस होगा एंगल इधर, यहाँ पे हमने उल्टा लिखा है, इधर D होना चाहिए था, इधर B होना चाहिए था, सॉरी। तो यहाँ पे एंगल डी बी सी होगा और यहाँ पे एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी होगा, ठीक है। जो ये दोनों LHS में आपके पास ये दोनों ऐड होगा, ये दोनों RHS में ये दोनों ऐड होगा। अब आप फिगर में जाएं, अगर फिगर में हम एंगल ए बी सी ये वाला एंगल और एंगल डी बी सी इस वाले एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरे पास कौन सा एंगल आएगा, ये पूरा एंगल आएगा। तो मेरे पास एंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या आया, उसी तरह इस एंगल पे इस एंगल को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल आपके पास आएगा, एंगल ए सी डी आपके पास आएगा। यही चीज हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही चीज एंगल ए बी डी को एंगल ए सी डी के बराबर प्रूव करना था, वही चीज हमने यहाँ पे करने की कोशिश किया है।
तो इंशाल्लाह ये चीज भी आपको समझ में आया होगा पिछले क्वेश्चनों की तरह। तो इसके ऊपर भी घर पे सिर्फ देख के नहीं होगा, आपको इसको प्रैक्टिस साथ में प्रैक्टिस कॉपी पेंसिल लेके साथ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप इस चीज को क्लियर कर पाओगे। तो इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपके पास सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।